कसरावत स्वास्थ्य चिकित्सालय में समस्त स्टाफ के द्वारा 23 जनवरी गांधी जी की पुण्यतिथि के दिन 2 मिनट का मौन किया गया। राष्ट्रपिता गांधी जी का यह सपना था कि भारत देश कुष्ठ रोग मुक्त बने। इस सपने को पूरा करने के लिए उक्त दिवस को कुष्ठ रोग से बचने के लिए संकल्प लिया गया। डॉक्टर राकेश पाटीदार ने कुष्ठ रोग की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि इस बीमारी से डरने की आवश्यकता नहीं है, समय पर जांच करवाए इस बीमारी का इलाज संभव है। जैसा आज अभियान चल रहा है स्वच्छ भारत का, जो है ऐसा उन्होंने भी एक सपना देखा था कि हमारा देश जो है जो कुष्ठ की जो बीमारी है उससे जो है ये देश मुक्त हो जाए, और उन्होंने कुष्ठ रोगों के लिए बहुत योगदान दिया था। और उन्हीं की जो है पुण्यतिथि को हम जो है कुष्ठ दिवस के रूप में मनाते हैं, और इसी के अंतर्गत आज 30 जनवरी 2021 से 13 फरवरी 2021 मतलब 14 दिन तक के कुष्ठ का पखवाड़ा चलेगा, जिसके अंतर्गत कुष्ठ सर्वे कार्यक्रम चलेगा। और सर्वे कार्यक्रम में घरों घर जो है कुष्ठ रोग की बीमारी के जो है लोगों की जो है जांच स्क्रीनिंग होगी। मान लो अगर उनको कुष्ठ की बीमारी है तो उनको जो है यहाँ पर जिले पर और कतराव जो यहाँ का है वहाँ पर रेफर किया जाकर उसका इलाज उनकी MDT जो कुष्ठ की पद्धति है मल्टी ड्रग थेरापी कुष्ठ रोग की जो है दवा है वो निशुल्क उपचार उनका दिया जाएगा। आप कार्यक्रम में पूछ रहे हैं, इसके लिए वो सरकार बहुत ज़्यादा जोर दे रही है कि हर संक्रामक बीमारी है और इस संक्रामक बीमारी को हटाने के लिए हमें सब मिलकर लड़े लड़ना पड़ेगी, और यही हम जगह जगह कैंप भी कर रहे हैं और जगह जगह स्पर्म कलेक्शन के लिए सिविन आर्ट के लिए हम कलेक्शन कर रहे हैं और उनकी जांच के लिए वो जा रहे हैं और उस बीमारी की जांच कर रहे हैं और उसका इलाज होता हो वो भी इलाज हम दे रहे हैं। और उसको एक व्यक्ति जब बीमारी निकलती है उसको 3,000 रुपये हम उसको वो खाने के लिए भी दे रहे हैं, मतलब। और यदि हम आपस मतलब लड़ेंगे तो यही हम प्रोग्राम को जीत पाएंगे। धन्यवाद। क्या समझते थे कुष्ठ रोग ला इलाज नहीं है, पहला तो मैसेज हमारे समाज को ही होना चाहिए, क्योंकि लोगों में भ्रांति रहती है कि कुष्ठ रोग का कोई इलाज नहीं है। कुष्ठ रोग की पहचान जो रहती है चमड़ी से, ज़्यादातर समय चमड़ी पे तेल जैसे त्वचा हो जाती है जिसपे कि किसी भी प्रकार का पता नहीं पड़ता है, गर्म ठंडे का या कोई भी दर्द का एहसास नहीं होता है। तो ऐसा कोई भी मरीज है तो उसको हम अपने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर को दिखा करके उसकी जांच करा करके उसको कुष्ठ रोग है या नहीं है ये पता करवाएं, और यदि कुष्ठ रोग है तो उसका इलाज अपने आप फ्री में लाइलाज होता फ्री में होता है बिना पैसे के, तो अपन उसमें रजिस्टर्ड करा करके उसका इलाज करवाएं। क्योंकि यदि कुष्ठ रोग का इलाज नहीं कराते तो इसके वजह से उसके शरीर में विकृतियाँ आने की संभावना रहती है, जिसको कि ठीक करना ज़्यादा मुश्किल है बजाय कि कुष्ठ रोग को, इसलिए हम कुष्ठ रोग का इलाज पहले ही करवा दें तो ज़्यादा अच्छा है। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए कसरावत से जाकिर खान की रिपोर्ट।